चलें जी लेक्चर पे आ जाए जी वापस। कल हम जो जितनी भी चीजें हम स्टडी कर रहे थे वो लिस्टिंग से रिलेटेड है। हमने इमेजेस देख ली है कि किस तरह की इमेजेस हमें किस तरह डिजाइन करनी। सेकंड हमने सीटीआर को, अगर आप सबको आज याद हो तो, उसको डिस्कस कर लिया था कि किन बेसिस के ऊपर हम ट्रैफिक का एनालिसिस करते हैं कि ट्रैफिक हमारी लिस्टिंग पे आ रही है कि नहीं आ रही। सही है, तो नेक्स्ट हम यहाँ से अपना कंटिन्यू करते हैं, टाइटल बुलेट्स और ईबीसी को डिस्कस करते हैं, फिर हम कीवर्ड्स के ऊपर आते हैं। ये जी टाइटल होता है हमारे पास, टाइटल आपका ऑलरेडी जो है वो कीवर्ड इनरिच टाइटल होना चाहिए। अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज वे में यूज करके आपने अपना टाइटल लिखना है। सही है, जितने ज्यादा कीवर्ड आपके टाइटल में अवेलेबल होंगे उतनी ज्यादा सर्चेज में आप लोगों की लिस्टिंग जो है अपीयर होगी। ठीक है जी, अब कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड के ऊपर हम बाद में बात करते हैं। पहले आप एक चीज नोट करें जी कि टाइटल के फर्स्ट 80 कैरेक्टर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। टाइटल के फर्स्ट 80 कैरेक्टर, अमेज़न की जो पॉलिसी है, जो गाइडलाइन है टाइटल की, वो ये है कि आपका टाइटल 200 कैरेक्टर से ज्यादा ना हो। मैक्सिमम कितनी लेंथ है जी? 200 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 200 करेक्टर है। अब करेक्टर का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? जी वर्ड्स नहीं सर, वर्ड्स और हाँ जी लेटर, एक हरफ जो वो कह रहे लेटर। वर्ड और करेक्टर में डिफरेंस है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज कॉल्ड वर्ड। अगर आप वॉज का वर्ड यूज करें तो उसमें तीन कैरेक्टर है, डब्ल्यू ए और एस। स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, आप टाइटल के अंदर वर्ड्स के दरमियान में स्पेस देते हैं ना, तो उसको बैकएंड पे एक कैरेक्टर काउंट किया जाएगा। तो ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि स्पेस के साथ साथ आपके पास सिर्फ 200 कैरेक्टर की लिमिट है टाइटल लिखने के लिए। अब इन 200 कैरेक्टर में से फर्स्ट 80 कैरेक्टर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उसकी रीजन क्या है जी? 80-90% जो कस्टमर है ऑनलाइन बाइंग का, वो किस पे शॉपिंग करता है जी? मोबाइल से। किससे शॉपिंग करता है जी? मोबाइल से। अब मोबाइल का इंटरफेस या उसकी स्क्रीन की बात करें, और लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर या किसी और टैब की बात कर लें, उनकी स्क्रीन और इसकी स्क्रीन में जमीन आसमान का फर्क है। रिस्पॉन्सिवनेस एक वर्ड होता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, आपका प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर वेबसाइट के ऊपर वो पूरा नजर आ रहा है तो मोबाइल के ऊपर भी वो पूरा नजर आना चाहिए, वो फिर खुद को उसके मुताबिक एडजस्ट करता है, इसको रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। अब रिस्पॉन्सिव तो है अमेज़न, लेकिन इससे होगा क्या कि आपके टाइटल इधर जो लैपटॉप है या बड़ी स्क्रीन है उसके ऊपर आपके 200 कैरेक्टर पूरे शो होते, लेकिन मोबाइल के ऊपर सिर्फ आपके 80 कैरेक्टर शो होते, फर्स्ट 80 कैरेक्टर। उसके बाद आगे क्या आता है? डॉट डॉट डॉट, तीन डॉट्स आते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सो ऑन। अगर हमने मैथ में देखा हो तो किसी चीज को इन्फिनिट टाइम कहना होता है तो हम 1, 2, 3 और डॉट डॉट डाल देते हैं। तो वो डॉट डॉट बताते हैं कस्टमर को कि अच्छा यार, ये ना टाइटल अभी खत्म नहीं हुआ, आगे भी है, तो वो टैप करे फुल कंप्लीट टाइटल देखने के लिए। लेकिन अब क्योंकि 80-90% यूजर मोबाइल यूजर है,
तो वो टैप करेंगे फर्स्ट 80 करेक्टर, अगर उन्हें समझ में आ गए, फर्स्ट 80 करेक्टर अगर उनके दिमाग से खेल गए, उनको ट्रैक्ट कर गए, तो फिर ही वो टैप करके लिस्टिंग पेज पे जाएंगे। सही है? तो इसलिए आपके फर्स्ट 80 करेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी बात यहां तक? तो फर्स्ट 80 करेक्टर आपने अपने अच्छे कीवर्ड के साथ लिखने। टाइटल में मोस्टली हम यूज करते हैं अपने टॉप के 3 कीवर्ड। हमारी कोशिश होती है कि हम टारगेट करें टॉप 3 कीवर्ड्स को, टॉप सर्च वॉल्यूम वाइज, यानी कि जिसका दूसरी चीजें भी मेंशन करनी होती है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम टॉप के अपने 3 कीवर्ड टाइटल में लाजमी जो है टारगेट कर लें। अच्छा, आप 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी स्किल है। इसको कहते हैं कि ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज करना, कि एक कीवर्ड ऐसा हो जिसके अंदर 4 कीवर्ड टारगेट हो रहे हो। इसके ऊपर हम बात करते हैं अभी। सिंपल ये सुन लें, ये जो जेनेरिक चीजें, 80 करेक्टर की समझ आ गई थी। इसी तरह आपने गूगल से देख लेना है कि टैबलेट्स के ऊपर कितने करेक्टर शो होते, जो टैब्स होते हैं उनकी स्क्रीन जरा। फिर आप कोशिश करेंगे मोबाइल यूजर्स के लिए 80 करेक्टर क्रूशियल हो, बल्कि टैब्स में 125 होते हैं। तो जब आपके पहले 80 ही इंपॉर्टेंट हो गए तो वो 125 वाले भी कवर हो ही जाएंगे ना उसमें। सही है ना? टाइटल में हमेशा आपने अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी कि क्या है। टाइटल का मतलब क्या होता है? नाम होता है ना, कि वो फर्स्ट 80 करेक्टर पढ़ के उसे पता चल जाए कि आप लोग क्या सेल कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है ये कि नहीं है। क्लियर है जी बात? तो ये तो होगी टाइटल की बात। अब बुलेट्स पे आते हैं। हम 5 बुलेट्स लिख सकते हैं एक लिस्टिंग के ऊपर, 9 बुलेट्स की भी ज्यादा है, लेकिन वो वेंडर्स को है, वेंडर सेंट्रल जो होते हैं। हमने तो काम करना है सेलर सेंट्रल के ऊपर, तो हमें मिलेंगे 5 बुलेट्स बस। आपने अब वो 5 बुलेट्स, जिनको हम फीचर्स कहते हैं, फीचर्स कहते हैं अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं टॉप 5, वो आप अपने बुलेट्स में लिखते हैं। और यही वो टॉप 5 फीचर होते हैं जो आपकी कन्वर्जन के ऊपर 90-95% इम्पैक्ट देते हैं। बुलेट्स को ही कस्टमर ने पढ़ के कन्विंस होना है कि वो बाय कर रहा है कि या वो बाय नहीं कर रहा। सही है जी? तो जब हम सोशल लिसनिंग पढ़ेंगे, जब हम सोशल लिसनिंग देखेंगे क्या होती है, उसमें डिस्कस करेंगे कि हमें, या एक पूरा लेक्चर हम इसी तरह डिस्कशन का सिर्फ रखेंगे कि बुलेट्स में किस तरह की बातें लिखनी चाहिए। सही है? जिससे जो कस्टमर के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सही है? अब कैटेगरी टू कैटेगरी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, अमेज़न बुलेट्स की करेक्टर लिमिट जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है। किसी कैटेगरी में अमेज़न आपको कह सकता है कि हम आप मैक्सिमम 300 करेक्टर पर बुलेट लिख लें। 5 बुलेट्स होंगे तो टोटल कितने करेक्टर हैं जी? 1500। किसी में वो कहता है जी आप मैक्सिमम 200 लिख सकते हैं, किसी में वो 500 भी दे देता है। समझ आ रही है बात? लेकिन इसकी जो टेक्निकल बात है वो एक छोटी सी बात है जी, कि इसके पहले 100 करेक्टर जो है वो इंडेक्स होने। अभी इंडेक्स की टर्म पे कंफ्यूज ना होना, मैं उस पर आना है अभी, इंडेक्सिंग क्या होती है। अभी सिर्फ आप ये लिखें अपने पास कि बुलेट्स में हर बुलेट के पहले 100 करेक्टर आपने वो लिखने हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो आपको लगता है कि कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले 100 करेक्टर में ही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। सही है? क्लियर है जी यहां तक? पहले 100 करेक्टर में ही आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए। सर कीवर्ड की गेम है सारी अमेज़न, क्योंकि कस्टमर ने सर्च करना है कीवर्ड पे, रिजल्ट्स आने हैं कीवर्ड पे, बाय करना है कीवर्ड पे, पीपीसी कैंपेन चलनी है कीवर्ड पे, तो ये कीवर्ड की गेम है सारी। प्रोडक्ट हंट होनी है कीवर्ड पे, लॉन्चिंग रैंकिंग होनी है कीवर्ड पे, तो ये पूरा हाँ जी वो टाइटल, हाँ जी हाँ जी, सबसे पहले वो टाइटल ही पड़ेगा। ये टाइटल तो उसको बाहर ही नजर आ जाएगा ना, डिटेल पेज पे आने से पहले। हाँ जी, 5 चीजों को पढ़ के, 5 चीजें हैं जी, कल हमने इसको बार बार डिस्कस किया है। मेन इमेज, टाइटल, प्राइस, रिव्यूज एंड रेटिंग, ये 5 चीजें हैं जो कस्टमर को इस पेज तक ला सकती। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी में आपको कितने करेक्टर्स की इजाजत है बुलेट्स के लिए? तो सर एक रिपोर्ट लिख लें, मुझे
जब हम लॉन्चिंग लैंडिंग करेंगे सारा कंप्लीट कर लेंगे, एंड पे मुझे याद करवाना, मैं वो रिपोर्ट आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करते हैं और उस रिपोर्ट से हम कैसे ये चीजें फाइंड आउट करेंगे। फ्लैट फाइल लिख लें जी, फ्लैट फाइल, FLAT, फ्लैट फाइल। अभी मैं आपको फ्लैट फाइल एक बहुत बड़ी गेम है। आप बाहर अगर किसी भी बड़ी एजेंसी के साथ काम करने जाएंगे तो आपके इंटरव्यू जो होगा उस पर सारी बातें फ्लैट फाइल की चलेंगी कि ये काम फ्लैट फाइल से हो सकता है, आपने किया है, कैसे किया है, ये कैसे होगा, फ्लैट फाइल में ये चीज किधर होगी। गोरे जो है वो एजेंसीज की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट्स की नहीं, इंडिविजुअल क्लाइंट्स की नहीं, एजेंसीज की। तो वो एजेंसीज फ्लैट फाइल पे काम करती है क्योंकि फ्लैट फाइल स्पीडी मेथड है। अगर हम एक प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं ना मैनुअली सेलर सेंटर से कि हम उसका टाइटल ऐड करें, हम वो यूपीसी कोड, मैंने आपको यूपीसी और ईएन कोड का भी नहीं अभी तक बताया, ऐसे ही है ना, सही है। जैसे ही हम वो डाटा फिल करेंगे, डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिए, बुलेट्स एंटर कर दिए, टाइटल एंटर कर दिए, तो वो तकरीबन 7 से 8 टैब होते हैं जिनको हमें फिल करना पड़ता है एक प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हम उसे सेव करते हैं तो अमेज़न 15 मिनट्स कहता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स भी ले सकते हैं उस प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए। लेकिन आप फ्लैट फाइल से करेंगे, जैसे ही फ्लैट फाइल अपलोड हुई, प्रोडक्ट अपलोड होगी, फ्लैट फाइल से प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, फ्लैट फाइल से आप एक टाइम पे हजारों की तादाद में लिस्टिंग अपलोड कर सकते हैं। तो एजेंसी फ्लैट फाइल पे क्यों काम करती है कि स्पीडी मेथड है। अब 100 लिस्टिंग आप मैनुअली सेलर सेंटर से करेंगे, पहले एक के 7 टैब फिल किए, अब उन 7 टैब के अंदर 20-25 फील्ड होंगी जिनके डाटा एंटर करना है, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, जो पागल हो जाओ, सही है। तो हम फ्लैट फाइल में एक ही दफा 100 की 100 का डाटा फिल कर देते हैं एक ही दफा में, वो सिर्फ टाइम लगता है डाटा फिल करने में। लेट्स सपोज के मैनुअली लिस्टिंग ऐड करने में अगर आपको 15 मिनट लगते हैं, फ्लैट फाइल में डाटा एंटर करने में 5 मिनट लगेंगे, अपलोड की तो 6 मिनट लग जाएंगे, 6 मिनट में आपका काम हो जाएगा और लिस्टिंग फौरन रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। मैनुअली लिस्टिंग 24 घंटे ले सकती है, फ्लैट फाइल से फौरी अपलोड हो जाएगी, इसलिए फ्लैट फाइल इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मेरी फायदा है वरना 10 से कम तो बंदा वैसे ही 1-2 घंटे में अपलोड कर लेगा, ज्यादा लिस्टिंग हो जिनके ऊपर काम करना हो तो फिर हम फ्लैट फाइल यूज करते, सही है जी। अच्छा जी, टाइटल हो गया जी, बुलेट्स हो गया। अब मैं बुलेट्स का बता रहा था आपको कि पहले 100 करेक्टर इंडेक्स होने, तो आपका कीवर्ड पहले 100 करेक्टर में होना चाहिए, मेन कीवर्ड, सही है, ताकि वो इंडेक्स हो जाए। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अमेज़न आपको अलाउ करता है 2000 करेक्टर एंटर करने, 2000 करेक्टर की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब आपने डिस्क्रिप्शन जो लिखनी है वो होगा प्लेन टेक्स्ट जी, क्या होगा जी, प्लेन टेक्स्ट, ना आप उसमें कुछ बोल्ड कर सकते हैं ना इटैलिक कर सकते हैं। जैसे हम अक्सर वर्ड की फाइल में इटैलिक फॉन्ट कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, इस तरह का काम आप इधर नहीं कर सकते अमेज़न के ऊपर। जैसा टेक्स्ट पेस्ट होगा वो प्लेन ही पढ़ा जाएगा, स्पेसिंग दे के आप उसको पैराग्राफ बना सकते हैं, स्पेसिंग दे के एंटरप्रेस किया, पैराग्राफ बना दिया। अब इसमें एक चीज आ जाती है, HTML का पता है जी आप में से किसी को? हाँ जी, हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बेसिकली वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। हाँ जी, नहीं सर, URL नहीं, लैंग्वेज है, इसकी प्रॉपर कोडिंग होती है और उसके थ्रू हम वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन करते होते थे आज से 10-15 साल पहले। अब तो खैर ऑटो HTML जनरेट होने के टूल्स आ गए हैं, वो एक अलग डिबेट है, वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बस सिंपल ये समझ लें कि HTML में जब हम कोडिंग करते थे, जब हम HTML के थ्रू वेबसाइट में कुछ टेक्स्ट डालते थे ना, तो HTML हमें टैग्स देता था जिसके थ्रू हम उसे एक्सप्लेन करते थे कि इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, इसको टैलिक में कर दो, इसका ये टैग कर दो, ये पैराग्राफ है, समझ रहे जी मेरी बात। मसलन बोल्ड का टैग क्या देता है HTML, बी, एंगल ब्रैकेट्स का पता है ना, वो लेस देन ग्रेटर देन वाली जो ब्रैकेट्स होती है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने बी लिखना है, अपना टेक्स्ट लिखना है और एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है। तो ये वाली लाइन का HTML का क्या मतलब है कि ये वाला टेक्स्ट बोल्ड में शो होगा। तो अगर आप अपनी डिस्क्रिप्शन को बोल्ड इटैलिक में करना चाहते हैं तो आप HTML टैग्स यूज करके
उसको डिस्क्रिप्शन को अपलोड कर सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? अब बड़े लोगों की टेंशन होगी हमें HTML नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। कोई टेंशन नहीं सीखने की सर, गूगल के ऊपर जाएं, टेक्स्ट टू HTML कन्वर्टर लिखें, गूगल के ऊपर टेक्स्ट टू HTML कन्वर्टर लिखें, हजारों वेबसाइट्स आएंगी, जिस मर्जी को ओपन करें, अपना प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, वो HTML टैग्स में उसको ऑटो जनरेट करेगा, उसको वहां से कॉपी करके Amazon के बैकएंड डिस्क्रिप्शन वाला जो पोर्शन होगा उधर पेस्ट करके सेव कर दें, वो ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएगी। क्लियर है जी? लोग इसकी भी $5 पे सर्विसेज दे रहे हैं लोगों फाइबर के ऊपर, क्या हम आपके टेक्स्ट को HTML में कर देते हैं। सही है ना? सिखा तो दिए, अब और पीछे क्या सिखाऊं, सारा तो बता दिया है कि गूगल पे जाके ये करना है वो करना। फाइबर वाला जी वो आपका सेशन करवाएंगे, ये मैनेजमेंट वाले आपके फाइबर अपवर्क गुरु जितनी भी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं वो आपको सारा उसका अलग से क्लासेस होंगी आपकी। हाँ जी, इसी कोर्स में Amazon का कंप्लीट होने के बाद। अच्छा जी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक की समझ आ गई जी? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरे पास कितने कैरेक्टर हैं जी? 2000 है भाई ईबीसी कंटेंट। ईबीसी कंटेंट दिखाया ना, जो डिटेल पेज के नीचे आता है। अब इसकी साइंस क्या है, जिसके पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी ना Amazon की, Amazon उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, मतलब स्टोर डेवलप कर लें, अपना स्टोर बना लें, ब्रांड रजिस्ट्री सॉरी ईबीसी कंटेंट अपलोड कर सकते हैं आप लोग, पीपीसी कैंपेन के ऊपर वीडियोस के ऊपर कैंपेन चला सकते हैं। तो डिफरेंट फैसिलिटीज हैं जो कि नॉर्मल सेलर्स को Amazon नहीं अलाउ करता, लेकिन ब्रांड रजिस्ट्री वालों को अलाउ करता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए जी कि ईबीसी कंटेंट सिर्फ तब ही अपलोड हो सकता है, तब ही Amazon हमें वो अलाउ करेगा जब हमारे पास ब्रांड रजिस्ट्री होगी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो कल आप क्लाइंट को गाइड कर सकेंगे, फिर ही वो कन्विंस होगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज पूरा है Amazon का। सही है जी? अब जिसके पास ईबीसी नहीं है उसके लिखा आ रहा था प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और वो प्लेन टेक्स्ट में या HTML के में कन्वर्ट किया हुआ 2000 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। सही है? पर जिस बंदे ने ईबीसी कंटेंट अपलोड किया है, वो तस्वीरों के थ्रू टेक्स्ट लगाया है, मॉड्यूल्स यूज किए हैं डिफरेंट, जिस बंदे ने ईबीसी कंटेंट अपलोड किया है उसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के ऊपर वो ईबीसी कंटेंट आने लग जाएगा, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वहां से रिमूव हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगा ना, यानी कि अगर ये आता है तो इसके ऊपर ये ईबीसी आ गया, पीछे वाला नजर नहीं आ रहा। इसका फायदा क्या है? इसका एक फायदा ये है जी, आपके पास 2000 करेक्टर है, अब वो हम जाया कर रहे हैं नहीं, हम अपने जो अनयूज्ड कीवर्ड्स होंगे उनको एज इट इज का एज इट इज उठा के 2000 करेक्टर में डाल दो, ताकि वो भी इंडेक्स हो जाए। समझ आई? समझ आई? ताकि वो भी इंडेक्स हो जाए। यहां तक क्लियर है जी बात? ये हमारी एक सिंपल लिस्टिंग की जनरल डिस्कशन थी। अब थोड़ी सी टेक्निकल चीज पे आते हैं कि ये कीवर्ड यूज करने की साइंस क्या है। किसी को पता है कि हम कीवर्ड्स क्यों यूज करते हैं? वो पता है हाँ जी सर, कस्टमर तो अट्रैक्ट होगा, वो कीवर्ड से नहीं होगा, वो इमेज टाइटल से होगा, प्राइस से, रिव्यू रेटिंग से होगा, लेकिन उस तक ये पांच चीजें पहुंचानी है, कीवर्ड के थ्रू जाएंगी, पर इसके पीछे साइंस क्या है, कीवर्ड लिखने से हमारी लिस्टिंग क्यों आएगी? हाँ जी, एसईओ होगी ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो हम ऑन Amazon SEO करेंगे, ऑन Amazon SEO के Amazon के ऊपर हमने अपनी सर्च को ऑप्टिमाइज करना। अब इसकी साइंस क्या है जी? साइंस है कि इस चीज के ऊपर, क्योंकि हम वो कीवर्ड सर्च बार में लिखते हैं तो यहाँ पे Amazon का सर्च एल्गोरिदम रन करता है, सर्च एल्गोरिदम रन करता है। सही है जी? अब वो सर्च एल्गोरिदम कैसे रन करता है? उसने उस सर्च बार से वो कीवर्ड उठाया और जो उसके पास कैटालॉग पड़ी है उसने वो कीवर्ड उनके साथ मैच करना है, जो उसके पास डेटाबेस पड़ी है, कैटालॉग पड़ी है लोगों के प्रोडक्ट्स की, उसने देखना है कि ये कीवर्ड किस किस प्रोडक्ट में पड़ा है, सर्च करना है, जिस जिस में उसे मिलता जाएगा उस प्रोडक्ट को वो आगे लाता जाएगा शो में, रिजल्ट में, रैंकिंग वाइज, जिस तरह वो रैंक हुई। सर्च एल्गोरिदम का ये मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आपको टेक्निकलिटीज में जाने का जरूरत नहीं, आपने कौन सा एल्गोरिदम लिखना है, हमें तो सिर्फ एल्गोरिदम की समझ होनी चाहिए।
कैसे सर्च हो रहा है जी? कोई चीज आपने फाइंड करनी है, कैसे करते हैं? उसका कुछ तो क्लू चाहिए ना, क्लू तो चाहिए ना ढूंढने के लिए। तो वो क्लू आपने कीवर्ड में दे दिया, एल्गोरिथम ने वो की सर्च बार से कीवर्ड उठाया और उसने अपने डेटाबेस में या कैटलॉग में वो कीवर्ड फाइंड कर रहा है। आपका ईबीसी कंटेंट में हो सकता है, वो कीवर्ड आपका जो ईबीसी की पीछे बैक डिस्क्रिप्शन पड़ी है उसमें हो सकता है। इमेजेस के टैग्स होते हैं, जब आप इमेज अपलोड करते हैं टैग्स देते हैं, वो टैग्स में कीवर्ड हो सकता है। जहां पे भी उसको वो कीवर्ड मिल गया ना, उसने उस लिस्टिंग को, और अगर आप उस रैंक पे आते भी हुए, जिस रैंक पे आपका बनता होगा उस रैंक पे आपको दिखा देगा। रैंक से मतलब क्या है जी? पहले पेज पे कितने रिजल्ट आते हैं? 48 आते हैं, 10। गूगल की बात कौन कर रहा है यार, अमेज़न की कर रहे हैं। कितने आ गए जी रिजल्ट? अगर तो आप उस कीवर्ड पे 48 में से कहीं रैंक कर रहे हो तो आप उस नंबर पे, उस पोजीशन पे दिखा देगा अगर वो कीवर्ड मैच हो गया। अदरवाइज आप 168 नंबर पे हो तो वो कितना पेज बनेगा? मेरे ख्याल से तीसरा, 48 और 48 96, तीसरा या चौथा बन जाएगा। तो आप उस पेज पे आओगे। साइंस समझ रहे हो? साइंस समझ रहे हो ना? ये सर्चिंग है। इस सर्चिंग को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी सर्च में खुद को आगे लाने के लिए हम ये कीवर्ड यूज करते हैं जी। आने लगा जी उसके ऊपर ही। अब मैंने आपको बताया कि हम टाइटल में ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज करेंगे। सर आपको फाइवर अपवर्क में भी यही बातें काम आनी है, उधर भी एल्गोरिथम इसी तरह चलते हैं। फाइवर के ऊपर भी यही होती है, कीवर्ड यूज करने, अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी है, उसके बाद आपको ऑर्डर आएंगे तो आपकी एक रैंक करती जाएगी। जैसे हमें अमेजोन पे ऑर्डर आएंगे तो हमारी लिस्टिंग रैंक करती जाएगी। समझ रहे? अपवर्क के ऊपर भी ऐसे सीन है, तो इस फील्ड में ये सीन ऐसे ही है, सबके एल्गोरिथम ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब एफिशिएंसी एल्गोरिथम की वो एक अलग डिबेट है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना। अब मैं क्या बताने जा रहा था जी आपको? हाँ जी, ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड लिखने। सर कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है कि ये टाइटल क्या है जी? Amazon Basics 1 to 2 inch extra thick exercise yoga mat। अच्छा, thick exercise yoga mat भी keyword हो सकता है, extra thick भी हो सकता है, 1 by 2 inch extra thick yoga mat भी हो सकता है, Amazon Basics नहीं हो सकता, बहुत rare chances है। तो आप इस तरह कॉमन सेंस से भी कीवर्ड निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर आप ये पूरा सेंटेंस पढ़ें तो ये सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है। सेंसिबल का मतलब कि ये अंडरस्टैंडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है ना, सेंस बन रही है सेंटेंस की, और कीवर्ड भी यूज हुए हैं। कीवर्ड स्टफिंग क्या है कि मैं लिख दूं योगा मैट, एक्सरसाइज योगा मैट, एक्स्ट्रा थिक एक्सरसाइज योगा मैट, बेस्ट योगा मैट। समझ रहे? अब वो एक पढ़ने वाले को अंडरस्टैंडेबल सेंटेंस नहीं बनेगा, उसके लिए सेंसिबल सेंटेंस नहीं बन रहा। जिस सेंसिबल का मतलब क्या है कि वो सेंटेंस कोई सेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा, उसका मतलब नहीं उसे समझ आ रहा कि ये टाइटल में कहना क्या चाह रहा है। इस टाइटल में हमें पता लग गया कि वो बता रहा है कि 1 by 2 एक्स्ट्रा थिक योगा मैट है, सही है ना? लेकिन अगर दूसरी एग्जाम्पल मैं दूं, जो मैंने बताया योगा मैट, एक्सरसाइज योगा मैट, एक्स्ट्रा थिक एक्सरसाइज, वो सोचेगा ये बताना क्या चाह रहा है, योगा मैट कोई बार बार बताई जा रहा है। समझ रहे? इसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, कि आपका सेंटेंस सेंसिबल नहीं बन रहा, आपने बस अपने सारे कीवर्ड उठा के पुश कर दिए, उधर स्टफ कर दिए, कीवर्ड स्टफिंग। समझ आई? कीवर्ड स्टफिंग क्लियर है जी? तो कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी।
क्लियर है जी कीवर्ड स्टफिंग। इसी तरह ना कीवर्ड स्टफिंग आपने बुलेट्स में करनी है, ना ईबीसी कंटेंट में या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में करनी। कीवर्ड स्टफिंग की समझ आ गई जी, कि सिर्फ आंखें बंद करके कीवर्ड ही नहीं फेंकी जाने, हमने एक टाइटल बनाना है, एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है जिसका कुछ मीनिंग बन रहा हो, फिर ही कस्टमर के दिमाग में जाएगी ना ये बात की अच्छा यार ये मेरी प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। मसलन एक बंदे की प्रॉब्लम थी कि उसको थिन योगा मैट मिल रहा था, तो हमने उसको सेंटेंस में बता दिया कि ये 1/2 एक्स्ट्रा थिक है, यानी कि 1/2 इंच एक्स्ट्रा थिक है ये उसकी प्रॉब्लम का। अगर हमने सिंपल योगा मैट थिक योगा मैट ये लिखा, उसे समझ ही ना आएगी यार ये कितना इंच थिक है। सेंसिबल सेंटेंस बनाना जी, सही है। तो इसके लिए हम क्या करते, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करते। क्लियर है जी यहां तक बात। अच्छा अब दूसरी बात पे आ जाए, जब आपने ईबीसी अपलोड कर दी तो वो जो बैकएंड की 2000 कैरेक्टर्स की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की फील्ड है, उधर आप बेशक आंखें बंद करके कीवर्ड स्टफिंग कर दो, क्योंकि वो शो तो नहीं ना होना किसी को। कीवर्ड स्टफिंग तो इसलिए नहीं हम कर सकते कि यार कस्टमर को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब कस्टमर को समझाने के लिए आगे ईबीसी है, बैकएंड पे आप कीवर्ड स्टफ कर दो। क्यों? हमें लालच है कि यार हमारे ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड इंडेक्स हो जाए। यहां तक समझ आ गई जी। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग क्या है, रैंकिंग और इंडेक्सिंग में क्या फर्क है। सर इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जब आपका कीवर्ड इंडेक्स हो गया, आपकी लिस्टिंग किसी कीवर्ड पे इंडेक्स होगी, इसका मतलब ये है कि उस कीवर्ड पे आपकी लिस्टिंग सर्चेबल होगी। अगर आपने कीवर्ड यूज किया, समटाइम ऐसा भी होता है आपने कीवर्ड यूज किया है, फैसल मार्कर चाहिए, आपने कीवर्ड यूज किया है वो इंडेक्स नहीं हुआ अमेज़न के बोट पे एल्गोरिदम पे, वो इंडेक्स नहीं हुआ जी। अच्छा अगर आपने कीवर्ड फिल किया है, कीवर्ड एंटर किया है, कीवर्ड ऐड किया है अपने लिस्टिंग पे, लेकिन वो कीवर्ड इंडेक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उस कीवर्ड पे आपकी लिस्टिंग कभी भी नहीं आनी, वो कीवर्ड रैंक भी नहीं होना। सर रैंकिंग से पहले इंडेक्सिंग जरूरी है, समझ आ रहे हैं? क्या डेफिनेशन है जी इंडेक्सिंग की? डेफिनेशन ये है कि वो कीवर्ड सर्चेबल हो गया और रैंक एबल हो गया, रैंक नहीं हुआ रैंक एबल हो गया, कि वो इस काबिल हो गया कि अब इसको हम रैंक कर सकते हैं, ठीक है जी, ये इंडेक्सिंग है। और रैंकिंग सिंपल के उसके ऊपर हमने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर दिया, रैंक करने लग गए, तो वो रैंकिंग स्टार्ट होगी। यहां तक क्लियर है जी सबको? कोई मुश्किल चीज है तो बता दो, रिपीट कर देता हूं। हो गया जी, बस हमारी लिस्टिंग होगी। इंडेक्स आपने नहीं करना, आपने जब कीवर्ड ऐड कर दिया है, अमेज़न का जो एल्गोरिदम है बोट है क्रॉलिंग का, जो क्रॉलिंग करता है वो हर 24 घंटे बाद आपकी लिस्टिंग को क्रॉल करेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि आपने एक कीवर्ड ऐड किया, दो हफ्ते बाद उसको खत्म करके एक और अच्छा कीवर्ड मिला, आपने वो ऐड कर दिया, तो वो हर 24 घंटे बाद उसकी रूटीन है, हर 24 घंटे बाद उसने आपकी लिस्टिंग को क्रॉल करते जाना है। एक दफा फर्स्ट टाइम क्रॉल किया, उसको कीवर्ड मिले, उसने अपने फाइल में सेव कर लिए, अगली दफा आया उसने फिर क्रॉलिंग की, जो जो कीवर्ड ऑलरेडी पड़े थे वो वैसे ही पड़े थे, उसने नहीं चेंज किया, अगर कोई नया कीवर्ड मिला उसने वो वाला भी सेव कर दिया, अगर कोई पुराना कीवर्ड था जो अब आपकी लिस्टिंग में नहीं है उसने अपनी फाइल से वो डिलीट कर दिया। समझ रहे एल्गोरिथम कैसे चल रहा है? तो ये हर 24 घंटे बाद उसने क्रॉलिंग करते जाना है, करते जाना है, बोट ने करते जाना है। क्रॉलिंग का करेंगे अभी तो कंसेप्ट लोग तो प्रैक्टिकल की समझ आएगी, लिस्टिंग का प्रैक्टिकल तो सिर्फ यही करवाऊंगा कि ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज करके टाइटल कैसे लिखना, ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड यूज करके बुलेट्स कैसे लिखने, और कौन सा प्रैक्टिकल चाहिए आपको? क्रॉलिंग का तो वो तो एल्गोरिथम का काम है, मैं एल्गोरिथम थोड़ी, वो अमेज़न का काम है। जब अगर आपको लगे कि आपका कीवर्ड इंडेक्स नहीं हुआ, आपको बताऊंगा ये तरीका कि इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं, सही है? जब आपको ये लिख लो कि इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं, ताकि अगर मेरे माइंड से स्किप होता है तो ये आप लोग मुझे याद करवा देना। इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं हम ये देखेंगे। अगर आपका कीवर्ड इंडेक्स नहीं है, वो आपने कीवर्ड यूज किया हुआ है, सर फिर उसके ऊपर हमें एफर्ट करनी पड़ती है उसको इंडेक्स करने के लिए, वो क्या करते हैं उस कीवर्ड के ऊपर किसी तरह सेल लेके आओ, वो कीवर्ड एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम एट द एंड है तो मशीन ही ना, मशीन तो गलती कर सकती है, तो सम टाइम मशीन गलती कर जाती है, कीवर्ड मिस कर जाती है, नहीं क्रॉल करती, इंडेक्स नहीं, तो
जब वो इंडेक्स नहीं होगा तो हम फिर से इंडेक्स करवाने की एल्गोरिथम ट्राई करते हैं, एल्गोरिथम को फोर्स करते हैं यार ये देखो मैं इस कीवर्ड के ऊपर सेल है इंडेक्स करो, तो फिर हम उस कीवर्ड के ऊपर 2 से 3 ऑर्डर करवाते हैं। ऑर्डर करवाने की साइज हमें आपको का ओरिजिनलिटी में दिखेंगे, क्योंकि हम इसको हर मुमकिन कोशिश तक नेगलेक्ट करते हैं यार ये काम ना करना सही है जी। तो कीवर्ड को इस तरह हम इंडेक्स करवाते हैं, अगर ऑटो इंडेक्सिंग नहीं है सही है, अगर ऑटो इंडेक्सिंग हो जाए तो फिर तो टेंशन ही नहीं, फिर तो बस उस कीवर्ड को रैंक करना और वो रैंकिंग जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे हम रैंकिंग कैसे करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया कि जब कह रहे थे कि 24 घंटे बाद हमारा है, अगर हमारा इंडेक्स नहीं हुआ तो हम उसको दोबारा भी रीइंटर करते तो रीइंटर कर दें आप बेशक, लेकिन जो एक चीज ऑलरेडी लिखी है वो तब नहीं करेंगे सिर्फ हम बाद में क्या करेंगे, यानी गलती हो जाती है 24 घंटे बाद दोबारा भी रीइंटर करना हां हो गया पर जब मैं इसकी मैं अभी चाह रहा हूँ कि हम लिस्टिंग की जो मेन मेन बातें हैं वो डिस्कस कर लें, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च एक दिन का काम भी नहीं है, वो तो 15 मिनट का काम है, पेएम के थ्रू हमें कीवर्ड रिसर्च करना है। लोग बड़े बड़े बैचलर से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हफ्ता हफ्ता कीवर्ड रिसर्च करते हैं, लेकिन मैंने वो चीज प्रैक्टिकली कर दी है यार, एक हफ्ता कीवर्ड रिसर्च की जो फाइनल कीवर्ड निकले वो और 15 मिनट में ईएम से जो कीवर्ड निकले वो सही है, तो हमारे पास एक शॉर्ट वे है तो तो हम वो हिंदी से देखेंगे कि किस तरह की वर्ड है। अभी मेरा मेन मकसद ये है कि लिस्टिंग तो टोटल आप पीजे हैं, लिस्टिंग कैसे काम करती है, ये सर्च एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं, इंडेक्सिंग क्या है, रैंकिंग क्या है, समझ आई यार कोई चीज जो मुश्किल हो रहा है। मैंने ये चेक करना है कि ये योगा मैट कीवर्ड के ऊपर मेरी लिस्टिंग इंडेक्स है कि नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, योगा मैट सर्च बार में लिखना है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी लिस्टिंग का ये एसएन कॉपी करना है, और कॉपी नहीं हुआ सिंपल सा फॉर्मूला जी, एसएन लिखना है, पेज देनी है अपनी एसएन साथ ही आपने एंटर कर देना है। अगर तो आपकी लिस्टिंग आ जाए सर्च में तो आप उस कीवर्ड पे लिख सिंपल ये सीधा अपना ब्रांड नेम लिख लो, सीधा अपना ब्रांड नेम लिख लो, ऐसे नहीं लिखना। सारी बात है जब आप एक एग्जैक्ट रिसर्च करोगे तो कोई नहीं, फिर तो रैंकिंग की जरूरत ही ना है। YouTube पे आप लिख दो मोटिवेशनल सॉन्ग तो वो डिफरेंट सॉन्ग देगा,
लेकिन अगर ब्राउन आपने आपको ब्राउन आपकी इफेक्ट वही आएगा क्योंकि हमने जितना ही इफेक्ट वो था उसको 19 की जरूरत थी, तो इसलिए हमने इंडेक्सिंग कैसे चेक कर रही है कि अपना ऐसे लिखा जिससे हमें अगर उसने उसको अपनी फाइल में सेव किया था तब भी वो सामने तब भी वो देखेगा अच्छा इस सेंसर में कीवर्ड मेरे पास तो लॉजिकली भी हमें समझ लगी कि सर्च एल्गोरिथम ऐसे काम करता है जो हमने सोचा है जिसके ऊपर हमने भी बात की और जब हमने देखा कि इंडेक्सिंग कैसे चेक कर रहा है तो वो भी कैसे काम कर रहा है। हाँ जी बहुत क्लियर है जी ओके अच्छा इसके बाद जो चीज है वो है मर्जिंग लिस्टिंग मर्जिंग मर्जिंग मर्ज करना आपस में लिस्टिंग क्या हुआ अच्छा लिस्टिंग मर्जिंग से क्या मतलब है सर हमने ये देखा ना वेरिएशन हमने बात की हुई है वेरिएशन के ऊपर वेरिएशन क्या प्रोडक्ट की वेरिएशन सर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी वेरिएशन हो सकती है ना वेरिएशन क्या होती है नहीं कैसे फिजिकल अपीयरेंस का वेरिएशन आपकी टी शर्ट की वेरिएशन क्या क्या कलर वेरिएशन हो सकती है अलग बंदे साइज वेरिएशन हो सकती है स्टफ की वेरिएशन हो सकती है ये वेरिएशन होती है ना ये किस तरह उसकी डिफरेंट तो वेरिएशन वैरायटी दार वैरायटी वेरिएशन फीचर नहीं बहुत फीचर नहीं वेरिएशन फीचर सेम है तुम्हारी शर्ट का जो स्टफ है वो इसकी स्मॉल साइज में भी स्टफ होगा लार्ज में भी यही होगा फर्जी कलर में भी स्टफ होगा फीचर तो बहुत है वेरिएशन में वैरायटीज कह रहा हूं वैरायटीज डिफरेंट साइज आ सकते हैं डिफरेंट कलर आ सकते हैं और भी जिस टाइप की वेरिएशन हो सकती है ठीक है अब हम क्या है लेट्स सपोज इस मार्कर की वेरिएशन हो सकती क्या कलर वेरिएशन हो सकती है और साइज की भी हो सकती है साइज की भी हो सकती है चलो समय लग गई ना वेरिएशन की ये वेरिएशन तो अब आप ये वाला मार्कर देखो ग्रुप में यही मार्कर रेड में मल्टीपल कलर्स में जो के ऑप्शन दिए अवेलेबल है आप सब में भेजे अब इसका क्या है सात कलर में सात लिस्टिंग होगी सात लिस्टिंग होगी सातों के सातों लिस्टिंग पे पागल हो ना एक एक काम करते जाओ टचिंग करो उसको रैंक करो स्टार्ट में ऐसे सही है ये सारी चीजें फिर हो जाती क्योंकि इतने में कीवर्ड में चेंज मार्केट को मान के ज्यादा ज्यादा तो नेम चेंज होगा कीवर्ड तो वही रहेगा ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर हो जाएगा येलो मार्कर हो जाएगा ग्रीन मार्कर मेरी सोच मर्जिंग कहाँ पे हम इम्पोर्टेंट समझते हैं जब आप रैंकिंग के ऊपर या मार्केटिंग के ऊपर काम अब आपने ब्लू मार्कर के ऊपर कैंपेन किया पीपीसी कैंपेन भी कीवर्ड भी चलती आपने ब्लू मार्कर को वहां कितने जा रही है ब्लू में सिर्फ ब्लू में जा रही है ग्रीन के लिए ज्यादा कैंपेन चले
तो एक ही कीवर्ड को अलग अलग कैंपेन में चलाया, क्या पैसे ज्यादा लग रहे, सेल उतनी नहीं है। हम इस तरह का एक छोटे पहले को सिंपल सा सिनेरियो दिया। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी को मर्ज कर देते हैं एक पेरेंट डिसीजन के अंदर। बेसिकली मर्जिंग इज समथिंग एल्स, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप समथिंग एल्स। मैं भी मर्जी की यूज करता था आज से दो हफ्ते पहले, जो आप मैं मर्जिंग कर रहा था लिस्टिंग्स की एरर आ रहे थे, मैंने केस ओपन किया, एक मैं मर्जिंग कर रहा हूँ एरर आ रहे, उन्होंने मर्जिंग कर रही है हमारे नॉलेज में मैंने कहा मर्जी की है वो, उन्होंने मर्जी का ये डेफिनेशन सबको कंबाइन कर देना को बना पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का ये मतलब है जिसको हर बंदा मर्जी नहीं कहता। इसका मतलब पेरेंट ऐसे होगा उसके अंदर आपके सारे चाइल्ड हैं। आप लोग जैसे ये इधर आ रहे हैं, मैंने ये लिस्टिंग इसी की ओपन की, ये देखिए ये कलर की वेरिएशन है, कोई भी लिस्ट मर्ज है और टाइटल के बाद आपको उसकी सारी वेरिएशन नजर आ रही है। ब्लू, ग्रे, पिंक, पर्पल, रेड, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे का सारा रेड की लिस्टिंग पे किधर ले गए, रेड की लिस्टिंग पे ले गए। अच्छा अब नीचे देखें ना तो ये क्या आ रहा है, ये देखें योगा मैट, ये योगा मैट फोम रोलर के साथ, इसने प्रोडक्ट को भी वेरिएशन में दिया है फोम रोलर के साथ, ये योगा मैट हैंड वेट के साथ 3 pounds के हैंड वेट, तो ये भी वेरिएशन आ रही है, यानी कि उसने कितने किस्म की तो एक कलर वेरिएशन है और एक स्टाइल वेरिएशन डिफरेंट स्टाइल के साथ दे रहे, समझ आ रही है। हम वेरिएशन पर क्या कर रहे सर, हमने वेरिएशन बनाई उसमें क्या होगा कि ये एक पेरेंट इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पर आप क्या आपने लेकिन ग्रुप अगर उसका माइंड में आता है यार मैंने ग्रुप के साथ ड्रिंक भी लेना है तो वो आप एक्स्ट्रा रूम ले, समझ आ रही है। इसको हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या मर्जिंग, सही है। सम टाइम क्या होता है जब आप ये लिस्टिंग अलग चीज के रिव्यूज लगते हैं, ये लगते हैं, ये लगते हैं, जब आप इनको मर्ज करते हैं तो मेक श्योर करना है कि इनके रिव्यूज भी आपस में मर्ज हो जाए, कि एक ही पेरेंट के अंदर सबके रिव्यूज आ जाए, अगर नहीं आ रहे तो केस ओपन करें, वो आपको कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये लिस्टिंग के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमेशा सक्सेसफुली जो क्रिएट होता है वो फ्लैट प्राइस मैनुअली भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये रिलेशनशिप क्रिएट होने के चांसेस कम है। आपने ओके कर दिया ठीक है जी, लिस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज रह गई समझ आ गई जी, कि मर्जिंग किसे कहते हैं, क्लियर। कल अब हम कीवर्ड सर्च करके देखेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमाइज वे में हम अपना टाइटल कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कंटेंट राइटर हूं लेकिन इंस्ट्रक्शन सारी क्लियर थी, तो मैं सिर्फ कीवर्ड जो हम निकालेंगे उन कीवर्ड की बेस पे आपको बताऊंगा कि एक सिंगल कीवर्ड के थ्रू हम मल्टीपल कीवर्ड को कैसे टारगेट, सही है। छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ, एक मिनट यार, छोटी सी मिसाल मैं देता हूँ। अगर आपके टाइटल के ऊपर लिखा हुआ है ये ब्लैक पॉइंटर, ब्लैक को जी दो वर्ड का ठीक है जी, ब्लैक पॉइंटर लिखा हुआ यही आपका कीवर्ड है, यही आपका कीवर्ड है, तो ये
दिमाग में ये नहीं आपने रखना कि एग्जैक्ट यही कोई बंदा लिखेगा तुम्हारी लिस्टिंग आएगी, मेरी बात को कैच कर रहे हैं सर ये नहीं हमने सोचना कि एग्जैक्ट ब्लैक पॉइंटर लिखेंगे इसी सीक्वेंस में कि पहले ब्लैक है बाद में पॉइंटर है फिर ही ये सर्च एल्गोरिथम वर्क करेगा, नहीं। अगर आपने दरमियान में ये दी का वर्ड आ गया, लेकिन अगर किसी बंदे ने सिंपल ब्लैक पॉइंटर लिख दिया एल्गोरिथम ना तो पाया आपने तो अच्छा ब्लैक मिल गया आगे गया अच्छा पॉइंटर भी मिल गया उसने तब भी आपकी लिस्टिंग निकाल के दे दी। नो डाउट कि हम लोग जब कीवर्ड्स टारगेट करते हैं टाइटल बुलेट में हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट कीवर्ड ही जो कीवर्ड फाइंड आउट किया उसको उसी सीक्वेंस में लिखे, लेकिन ये बताने का मेरा मकसद क्या है कि सम टाइम अगर आप कोई कीवर्ड एग्जैक्ट लिख रहे हैं दो लेकिन आप चाहते हैं कि तीसरा वर्ड भी साथ हो लेकिन वो साथ आके सेंस नहीं बना रहा तो आप उसको दो तीन वर्ड के बाद लिखते वो सेंस बना रहा है तो तब भी आप लिखते कोई मतलब नहीं। अगर वो तीन वर्ड्स को मिला के कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो तब भी एल्गोरिथम आपको सामने दे रहा है, क्लियर है जी। चलो बाकी चीजें आप कल हम देख लें। सर ये मैंने आपको बस ये कहा था कि जब हम रैंकिंग वाले पेज में आएंगे तब हम इससे इनको देखेंगे कि सेल कैसे लाना, क्योंकि सेल लाना कोई आसान काम नहीं है। एल्गोरिथम अमेज़न का बहुत मच्योर है, वो ऐसे डिटेक्ट करता है, वार्निंग भी नहीं देता, अकाउंट ही सस्पेंड करता है। तो इसको मैंने आपको बताया कि हम 99.9999% कोशिश करते हैं कि हम इसको अवॉइड करें, हमें फेक सेल मैनिपुलेशन या रिव्यू मैनिपुलेशन ना करनी पड़े, यानी कि खुद से फेक रिव्यू खुद से फेक ऑर्डर तक। लेकिन अगर मजबूरन करवाने पड़े रिस्क लेना पड़े तो वो एक कौन सी साइंस है वो जब हम रैंकिंग में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे।